उत्तर प्रदेश भदोही 1 किलोमीटर एरिया हॉट स्पॉट भदोही जिले के शेल्टर होम में पिछले शुक्रवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उस एरिया को हॉट स्पॉट में तब्दील करते हुए आज चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर पूरा इलाका सील कर दिया गया। इससे पहले 31 मार्च को दिल्ली से 32 लोगों का एक समूह बिहार जाने के लिए रेलवे मार्ग के रास्ते पैदल जा रहा था। इस दौरान भदोही प्रशासन ने पूरे समूह को भदोही कोतवाली क्षेत्र में बने अस्थायी शेल्टर होम नेशनल इंटर कॉलेज में क्वारंटीन कर दिया। दिनांक 30 मार्च को मोड़ के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि लगभग 32 व्यक्ति रेलवे लाइन पकड़ के बिहार जा रहे थे, उसी पे उनको कवर करके वहीं पे तीन सेट पे बैठा के उनसे पूछताछ की गई। पता लगा कि वो लोग दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हुए थे और दिल्ली से कानपुर तक तो वो किसी साधन से आए थे और कानपुर से वो पैदल ही रेलवे लाइन पकड़कर बिहार जा रहे थे। रेंडम जांच के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आने पर इनमें से एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने मिर्जापुर विंध्याचल अस्पताल में भर्ती करा दिया। जिस दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिली उस दौरान शेल्टर होम में 135 लोग थे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी का सैंपल जांच के लिए भेजा था, जिसमें 44 की रिपोर्ट निगेटिव आई है और शेष की रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं एक मरीज के मिलने के बाद प्रशासन ने अब शेल्टर होम वाले पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया है। भदोही से अनंत देव पांडे की रिपोर्ट। कुल मिला के 40 लोगों को हम लोगों ने 30 तारीख को नेशनल इंटर कॉलेज में रखा। उसके बाद 31 तारीख को कुल 91 लोग यहाँ पे ज्ञानपुर में जो बाई रूट चले जा रहे थे, तो उनको भी हमारे नेशनल इंटर कॉलेज में ही क्वारंटाइन के रूप में रखा गया था और उनकी बाकायदा मेडिकल जांच कराई गई थी। अभी 10 तारीख को WHO की टीम के द्वारा रैंडमली 11 लोगों का सैंपल लिया गया नेशनल इंटर कॉलेज में, उसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। उसको लेके फिर हम लोगों ने सारे जितने भी 134 क्वारंटाइन थे यहाँ पे नेशनल इंटर कॉलेज में, सभी की जांच कराई गई और जांच में अभी 45 लोगों का नेगेटिव अप्रोच प्राप्त हुआ है। शेष के भी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, क्योंकि एक पॉजिटिव होने के कारण वो सेंटर हॉटस्पॉट के रूप में शासन के निर्देश के रूप में लिया गया था और उसकी बाकायदा भली भांति बैरिकेडिंग कराई गई कि उस आश्रय स्थल के आसपास किसी भी पब्लिक माइंड का जाना वहां पर दंडित किया गया, ताकि जो क्वारंटाइन है वो सेफ रह सकें। इसी के दृष्टिगत वहां पर बैरिकेडिंग कराई गई है।